नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल नो योर सिटी में। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम जनप्रतिनिधि आज। लेकिन हम अपना ये कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सबसे पहले जो रेड बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब का, वो दबाएं और साथ में उसके बगल में आपको बेल आइकॉन दिख रहा है, उस बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको रुड़की की जितने भी जनप्रतिनिधि हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो जनप्रतिनिधि जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज हमारे इस जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं स्पष्ट एवं खरी बात करने वाले दमदार शख्सियत के धनी श्री यशपाल राणा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अच्छा, ये जो बातें हैं, जो स्पष्ट और खरी खरी बातें, ऐसा क्यों आप सभी लोगों को खरी खरी बातें सुना देते हैं? ठीक है, आदमी को हमेशा सच बोलना चाहिए और सच बात थोड़ी जनता को चुभती भी है। चापलूसी बात राजनीति में नहीं करनी चाहिए। आपने अगर मेरे यहाँ 10 चक्कर लगाए और उस एक चक्कर में जो काम हो सकता है, अगर आपने कह दिया काम हो सकता है तो हो सकता है, जो काम नहीं हो सकता उसे उसी दिन मना कर दें भाई ये काम नहीं होगा। लेकिन स्पष्ट बोल करके खरी खरी सुनाना, किसी को कुछ कह देना, ये क्या मतलब समय बचा रहे हैं आप लोगों का? ये प्यार से काम हो रहा है? नहीं, ये समय ही बच रहा है लोगों का। अच्छा। मान लीजिए वो काम होना नहीं और आपने 10 चक्कर लगा लिए, जब वो काम होना ही नहीं है। हाँ। कोई किसी भी काम के लिए एक प्रोड्यूसर बना हुआ है, उसके तहत ही वो काम होना है और कोई भी अधिकारी अपनी कलम नहीं फंसाएगा। नेता तो एक दफा झूठा आश्वासन देता है, हाँ मैं करा दूंगा, पर जब वो काम अधिकारी पर जाएगा, क्योंकि वो नौकरी कर रहा है, अपनी नौकरी से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। तो ऐसे ही अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती हो उसे लगे। अच्छा, यानी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? लोग कोई फर्क नहीं, जो कहना है बिल्कुल स्पष्ट मुंह पे कहो। अच्छा। किसी की आलोचना पीछे करना ठीक नहीं। अच्छा, मतलब आप जो भी कहते हैं सामने कह देते हैं, पीठ पीछे नहीं कहते? पीठ पीछे तो छुरा भोंकने वाली बात। अच्छा, एक नया वर्ड आपने इंट्रोड्यूस किया था कि छेद दूंगा, ये छेदने वाला वर्ड कहाँ से आया था? कुछ लोग राजनीति में गंदे लोग आ गए जिनका काम झूठी सियासत करना है, झूठे मुकदमे लगाना है। जब तक कि वे लोग बाग छीतेंगे नहीं, छिताई का मतलब है रैपट लगना। अच्छा। उनको कल जभी आएगी, जभी उनका दिमाग दुरुस्त होएगा कि आप किसी को झूठे मुकदमे में क्यों फंसा रहे हो। आपके खिलाफ जो भी मुकदमे होते हैं सारे झूठे होते हैं क्या? बिल्कुल झूठे, कोर्ट ने साबित किया है। मेरे पे 307 लगाई। हाँ। कोर्ट ने साबित किया है 307 बनने, 307 मेडिकल के आधार पर बनेगी। 302 जिसका मर्डर होगा उस पर लगेगी। हाँ। ऐसे ही 307 है, आपके अगर गंभीर चोट है, आपके चाकू के निशान है या गोली है, या आपके मान लीजिए कहीं ऐसी जगह चोट लग गई जिससे आप डेथ के करीब पहुंचाओगे, तभी तो 307 लगेगी। कि आप राजनीति में कब आए और क्यों आए? 1995 में पार्षद का चुनाव लड़ा। मेरे यार दोस्तों ने कहा भाई मोहल्ले के लिए एक जनप्रतिनिधि होना चाहिए, तब मैं विजयी हुआ। उसके बाद मैं भाजपा से चुनाव लड़ा, तब विजयी हुआ। भाजपा वाले मुझसे कुछ गलत काम कराना चाह रहे थे, मुझे भाजपा से निकाल दिया गया, मेरा सिंबल काटा। मैं 3 दफ़ा पार्षद रहा, फिर हमने भी कहा, मेरे दोस्तों ने सबने कहा भाई पार्टी को कुछ ना कुछ सबक सिखाना चाहिए। हमने कहा भाई बताओ क्या कैसे, कहने लगे भाई मेयर का और पार्षद का दोनों चुनाव इकट्ठा लड़ा जाएगा। जब इकट्ठा चुनाव लड़ा, दोनों में विजयी हुआ, जनता ने मुझे पूरा भरपूर सहयोग दिया। मैंने पार्षद से इस्तीफा दे के अपनी घरवाली को वार्ड नंबर 5 से फिर पार्षद बनवाया। वार्ड नंबर 5 जिस मोहल्ले में जन्म हुआ मेरे घर के आसपास ही पूरा है। असली जो कमाई है हमने अपने पुरखों की काटी है, जो हमारे पुरखों ने सेवा करी है, जनता ने हमें उसका प्यार दिया है। राजनीति में आकर जनता की सेवा सच्चे मन से होनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी CBI इंक्वायरी के तक के लिए मैं तैयार हूँ। कोई भी एक व्यक्ति ये कह दे कि मेयर ने 2 रुपये मुझसे मांगे। आप तो 1-2 रुपये की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी जो सुर्खियों में और खबरों में ऐसी बातें रहती हैं कि आपने वो नगर निगम की जमीन को के ऊपर कॉम्प्लेक्स बनवा करके आपने रिश्तेदारों को दे दिया आपने। मैंने भ्रष्टाचार करा तो मेरी आप खिलाफ CBI जांच कराऊँ। डॉक्टर सम्राट रुड़की में एक जाने माने डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर सम्राट बीटीगंज में रहते थे। वो बीटीगंज में मैंने वो जमीन ली,
वाइट नंबर के पैसे दिए हैं, वाइट चेक से पैसे दे रखे हैं मैंने। ऐसा नहीं मैं मुगर हुआ कि नहीं मैंने नहीं खरीदी, मैंने खरीदी है और मैंने उसमें दुकान बना के बेच भी दी, पूरी बीटीगंज, पूरी साकेत, चंद्रपुरी, ये लीज पर है। जैसे औरों ने ली वैसे मैंने ली। हाँ, मैं भ्रष्टाचार तब करता, निगम की ज़मीन वो जब कहलाई जाती है, अगर मैं कोई फ्रेश ज़मीन होती, जैसे गांधी वाटिका में ज़मीन पड़ी है, ये नगर निगम में ही ज़मीन पड़ी है जहाँ पर नगर निगम का ऑफिस है, उसकी ज़मीन पे मैं कोई कॉम्प्लेक्स बनाता है, दुकान बनाता और अपने चाहिदों के नाम कर देता, तो भ्रष्टाचार। मलबे का मालिक मैं हूँ, ज़मीन की स्वामित्व अब भी नगर निगम है, जैसे औरों के साथ जो होगा, अगर नगर निगम सब पूरी बीटीगंज खाली कराना चाहेगी तो मैं भी खाली कराऊंगा, जिन दुकानदारों को मैं एक साथ, आप भी आ जाएंगे उसमें एक साथ, मैं भी आऊंगा। लेकिन आप तो सुनने में आता है कि आप तो लड़ जाते हैं कि नहीं ये मेरी चीज़ है और नहीं 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 कर लेंगे। ऐसा नहीं, देखो कोर्ट है, ये लोकतंत्र देश है, इसके अंदर संविधान पे देश चलता है, राजनीति पे देश नहीं चलता। जो संविधान में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो सजा मुझे मिलेगी औरों को भी वही सजा मिलेगी। आप संविधान को पूरी तरीके से इसका हाँ, मतलब मानते हैं, और यदि यदि कोई आपके ऊपर क्लेम करता है और यदि आप संविधान के तहत आपको सजा सुनाई जाएगी तो आप सजा को एक्सेप्ट कर लेंगे? बिल्कुल, उसमें तो हर एक को माननी पड़ेगी। ये नहीं कि कोई किसी व्यक्ति को नहीं माननी, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, माननी पड़ेगा। संविधान से ऊपर कोई चीज़ नहीं। अभी अभी आपने कहा कि भाजपा में शुरुआत में जब आप पार्षद थे तो भाजपा से आप लड़े, इसके बाद आप जब आप भाजपा से गए तो भाजपा वाले से क्या ऐसी दुश्मनी कर ली आपने पूरी तरीके से कि हमेशा जब भी जहाँ भी? व्यक्तिगत तौर पर जब कोई पार्टी ना सराए और पार्टी को छोड़ दे, इंसान की जुबान हुआ करती है। ये नहीं आज कटोरा उठाया इधर भाग गए, आज कटोरा उठाया इधर भाग गए, हम ठाईगिरी वाली राजनीति नहीं करते। अच्छा, अभी आपने बोला था कि आपके जो पूर्वज ने जो काम किया है उस बेसिस पर आप सारा काम कर रहे हैं, तो अगला जैसे अगला जो इलेक्शन है अभी नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, इस पर आप इसमें आप किस बेसिस पे वोट मांगेंगे? वो पूर्वज ने तो किया, ये तो आप अपने द्वारा किए गए कार्य पे ही तो वोट मांगेंगे। मैंने जो काम किए रुड़की नगर की जनता को लगभग सबको ही मालूम है, नगर निगम के काम कराए हुए 5 या 6 महीने में उखड़ नहीं गए, जो मैंने पिछले 5 साल के कार्यकाल के जो शुरू के साल में किए वो आज भी काम सड़क पर बोलता है कि हाँ भाई ये क्वालिटी इसकी ठीक है। अगर मैंने गलत काम किए हैं तो जनता मुझे नहीं चाहेगी, और अगर मैंने अच्छे काम किए हैं तो जनता अवश्य मुझे दोबारा मौका देगी। ये जनता जनार्दन का देश है। अच्छा, कांग्रेस में 18 लोग हैं ऐसे जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं मेयर के लिए? जी देखिए, सब लोग अपनी अपनी दावेदारी करेंगे, परंतु चुनाव एक व्यक्ति लड़ेगा, जिसे भी टिकट मिलेगा, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर उसके साथ लगना चाहिए और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपने मतभेद भुलाकर काम करना चाहिए। निर्दलीय लड़ने की संभावना है आपकी? नहीं नहीं, देखिए अगर पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, पार्टी जिसे भी सिंबल देगी उसके साथ, मुझे मेरे समर्थकों ने मेरा टिकट जब कटा विधायकी में, मैं थे मनोहर लाल जी थे और जैन साहब ने एट ए टाइम बीजेपी ज्वाइन छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करी, हम लगे, कोई दुर्भेष नहीं, पार्टी के लिए काम करेंगे। अभी आप सड़कों की बात कर रहे थे, तो सड़कों में बहुत सारी मतलब अभी जो ADB के प्रोजेक्ट्स दिए गए रुड़की में चले, और रुड़की के आपने बोला कि काम हुए, लेकिन रुड़की की जनता बिल्कुल ADB से ही परेशान रही और कह रही कि ADB जो है दुखद हो गई हमारे लिए, रोना धोना शुरू हो गई। ADB दुखद नहीं है, जब नई कॉलोनी डेवलपमेंट होंगे तो उसमें पानी की लाइन तो डल जाएगी, सीवर नहीं डलेगी। हम 60 साल के बाद सीवर लाइन डलने की योजना है। अब जो सीवर लाइन डली है, पहले 47,000 की जनसंख्या पर रुड़की की सीवर लाइन डली हुई थी, हमारी होश से पहले डली हुई थी, और आज लगभग 3.5 लाख के आसपास हो गई जनसंख्या। अगर सीवर लाइन नहीं डलेगी तो इस शहर में बीमारी फैल जाएगी, क्योंकि जगह जगह सीवर लाइन चौक है। ये सीवर लाइन अगर हम चाहें, हम सोचें कि हमारे फायदे के लिए है, नहीं, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है।
क्योंकि रुड़की का जब नंबर आएगा 60 साल बाद आएगा स्विट्जरलैंड डरने का। अब 60 साल तक के कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा, लोग बाग कोई मुरदघाट पहुंच जाएगा, कोई कब्रिस्तान पहुंच जाएगा, तो इस पर जनता को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। लेकिन अभी सड़कें जो बन रही हैं, अभी जो बारिश हो गई है, बहुत जगह तो ज़मीनें धस गई हैं, ये धसेगी धसेगी, इसे ना हम रोक सकते और ना कोई इंजीनियर रोक सकता। जब तक कि एक बरसात इसके ऊपर नहीं उतरेगी सड़कें धसेंगी, क्योंकि जो मट्टी आपकी खाली हुई है, जो पाइप आपका डला है, वो जो मट्टी बैठेगी पाइप के ऊपर, उसको पानी से तो बैठेगी, धसेगी भी वो वहीं से जहाँ से खुदा हुआ है, आसपास से वो धसेगी भी नहीं, क्योंकि उस साइड भी मजबूत है और उस साइड भी मजबूत है, जो बीच में खुदा हुआ है वो बैठेगा, उसकी मटेरियल की जांच करा ले। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जो धस रहा है, जो जमीन धस रही है, जिम्मेदारी कौन लेगा? नगर निगम लेगा? कोई नहीं लेगा। अभी सड़क बनवाने के लिए जिम्मेदारी नगर निगम ले रहे हैं और बनाने उसको प्रॉब्लम आ रही है तो नगर निगम जिम्मेदारी, प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। अगर आप अपना मकान बनाएंगे और उसका भराव कराएंगे तो तब भी तो आप एक बरसात उतारेंगे उसमें, जब तक कि वो मट्टी बैठेगी नहीं तब तक कि आपकी सड़क बैठेगी।